मिनट अब चालू। नमस्कार, मैं विपिन जी और ये आसाम एरिया है और हमारे यहाँ गेस्ट लोग आए हैं आसाम घूमने के लिए, बिहार से मिस्टर विकास और इनके सारे साथी हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे। हाय, और आपको आसाम में कैसा लग रहा है? जी देखिए, मैं आसाम आया हूँ, मैं यहाँ पर लगभग 2 साल से मैं आ रहा हूँ। काफ़ी यहाँ का इन्वायरमेंट जो मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो हमको वही इन्वायरमेंट मौसम बहुत पसंद है। बिहार से मैं आया हूँ और मैं पहले सिलचर गया था, सिलचर से फिर मैं आपका गुवाहाटी जाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए कि अब भीड़ है, तो यहाँ पर देखा कि बहुत सारे काम भी चल रहे, तो सोचे कि इधर भी थोड़ा घूम लो। तो यहाँ पर एक इधर बगल में एक आपका मंदिर भी है शंकर भगवान का, हाँ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये बहुत ही देवों का देव में जैसे कहते हैं नदी में, तो बहुत ही अच्छा लगा ये नदी और नदी का यहाँ का पानी भी। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है ब्रिज का, कैसा लगा आपको देख के? ये देखिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में इसी तरह का उन्नति होता जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये देखिए एक नराना सेतु ब्रिज है, काफ़ी हम लोगों से इधर से आने जाने का सामना हो रहा है ना। हाँ इधर भी दिखाइए, और ये बगल में आपका ये कंपनी सर एस पी सिंगला ये प्रोजेक्ट बना रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कंपनी। हाँ, और ये बनने के बाद होता क्या है कि आपके सिटीज़ का आपका राज्य का नाम बहुत ही हाई लेवल पर जाता है। ऐसे भी गुवाहाटी बहुत टूरिस्ट जगह है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले क्षण में ये भी प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा, तो आपका ये शहर का बहुत ही अच्छा मुआयना रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन नाम का यहाँ पर चीज़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है और आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिल करके।